मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं, मैं, मामू और रिक्की और प्रांजल दीदी, चंडीगढ़ घूमने। अलांटे जाएंगे। और गाइज, बाकी ये रहा मासी का घर, कुछ ऐसा। और बाहर से दिखाता हूँ आपको। और ये है मासी का घर और सामने मासी की गाड़ी है। ये अपनी गैंग आ चुकी है और मामू भी आज साइड में बैठेंगे। आज चलाएगा रिक्की गाड़ी और बाकी निकलते हैं अब यहाँ से। गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं लास्ट वीक जब दिल्ली से वापस आ रहा था तो बस स्टैंड में आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर बस ली, तो वहाँ पे मेरे साथ एक बंदा बैठ गया जिसने पंजाब आई थिंक मुकेरिया या गुरदासपुर जाना था। तो वहाँ बस में ना एक घड़ियां बेचने वाला आया, 100-100 रुपए की घड़ी बेच रहा था। उस बंदे ने बहुत खुश होकर घड़ी खरीद ली। और एक जगह क्या हुआ कि बस की एकदम मतलब एमरजेंसी ब्रेक लगा दी और सभी को झटका लगा और उस बेचारे की घड़ी ही टूट गई। बहुत मतलब कि मैंने बहुत हंसी आई कि यार देखो 100 रुपए की घड़ी है, वो मेरी तरफ ऐसे देखने लग पड़ा। मैंने उसकी घड़ी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा और वो भी मंद मंद मुस्कुराने लग पड़ा कि 100 रुपए की घड़ी है, ये इतना ही चलेगी। और स्टोरी हो जाए मेरे साथ ना, मेरे साथ सुर 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 एक मेरे साथ ना वहाँ पंजाबी में बोलो, मैं दिल्ली में पंजाबी में बोलो मामू। अरे सुनना 2 मिनट, मैं दिल्ली में था, चला गया। मैंने कहा चलो टाइम पास करना है, चांदनी चौक घूम आते हैं। ठीक है, चांदनी चौक घूमने गया मैं वहाँ पे। और वहाँ पे भी चांदनी चौक में ना तरह तरह के ब्लॉगर आए होते हैं। अच्छा, तरह तरह के ब्लॉगर आए थे। एक ना ब्लॉगर वहाँ बस स्टैंड था, उसी को मैं दिखाने लग पड़ा, करता ये देखिए गुरुद्वारा। हम है यहाँ पे VIP देखना भाई, हम पैसे भी नहीं देंगे, देखते रहना, खुद ही खुल जाएगा भाई। कितना कितना लगा मामू? 5 रुपए लगा। 5 रुपए टोल टैक्स, सबसे सस्ता टोल, सबसे सस्ता टोल पास है मोसा। अरे यार तू भी थंबनेल नहीं आने देती है। ये है अलांटे की पार्किंग मार्केट है एक हिसाब से, जिस हिसाब से गाड़ी लगी हुई है। सो गाइस, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये कुछ अलांटे की पार्किंग है और बाकी अब चलते हैं ऊपर। तेरी वजह से बड़ी स्लो चल रही है, पता भी है। रिक्की की वजह से बड़ी स्लो चल रही है ये तो। क्या? So guys, जब मैं चंडीगढ़ रहती थी तो मैं अपना सारा जितना भी प्रोडक्ट थे वहीं से लेती थी। हाँ। लेकिन अब मैं चंबा पहुंच गई हूँ तो अब मैं कपूर की दुकान पे। So guys, कमेंट में बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। सो गाइस, यहाँ पे सारे फोटो क्लिक करवा रहे हैं और ये थीम है इंडिपेंडेंस डे की। और बाकी आप देखो क्या चाचा नेहरू चाचा नेहरू जी है, महात्मा गांधी है। ओए कहाँ गई? ओए बोलता चाचा नेहरू है, बोलता वही तो मैंने बोला यार महात्मा गांधी है। सो गाइस, अभी हम शॉपिंग करने आ चुके हैं लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे शूट करना तो मना होता है, हम चुपचाप बना लेंगे छुपके से। तू पीता नहीं, तू क्यों देख रही है? गिफ्ट करेंगे। अभी हम कर रहे हैं पीयूष का वेट, पीयूष चंडीगढ़ नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो इधर रहता है, तो हमने सोचा कि आज उसको छुट्टी है तो घूम ही लेते हैं उसके साथ। तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं। हमारा मॉडल आ चुका है चंबा का, यो चंबा का मॉडल आ चुका है। पीयूष से मिलाते हैं, ये है पीयूष। हेलो, शादी हो गई है भाई की। चंडीगढ़ घर बसा लिया भाई इसने। पैसे की पैसा बड़ा ज़्यादा आ गया है तो अभी हम एप्पल स्टोर जा रहे हैं फ़ोन लेने नया। तो चलो चलते हैं, ले लेते हैं 3-4 फ़ोन ले लेंगे आज तो भाई। अरे भाई यूट्यूब की इनकम ही इतनी हो गई है कि फ़ोन लेने पड़ रहे हैं, तो पैसा डाले भी कहाँ। तो इस करके हम 3-4 फ़ोन लेने जा रहे हैं। जारा में कपड़े भी देखाएंगे, लाख लाख रुपए के कपड़े लेंगे आज तो भाई। बोलो गाइस कौन सा लूँ, ये वाला या ये वाला? मैं तो सोच रहा हूँ सारे ले लूँ, क्या बोलते हो? ये भी ले लेते हैं ना गाइस, पैसा ज़्यादा हो गया, ये भी ले ही लेते हैं गाइस। वॉच भी ले ही लेते हैं, हमने सोचा कि अब सब कुछ ले रही हैं तो वॉच भी ले लें। ऑन क्यों नहीं हो रही है ये? बैटरी डाउन है तो भाई दोबारा करेंगे चेक आके। और क्या करें, 3-4 करोड़ वाला चश्मा भी ले ही लेते हैं हमने सोचा। तो अभी हम जा रहे हैं लेंस कार्ट।
इस पैसा इतना कि मतलब बड़ा ज़्यादा सस्ता सामान मिल रहा है यहाँ पे, तो अभी हम सोच रहे हैं कि नीचे ज़ारा के शोरूम जाए, वहाँ पे थोड़ा बहुत 3-4 करोड़ का सामान मिल जाए तो ले लेंगे। तो इस भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो हमने सोचा कुछ खा लें, तो अभी हम आए हैं ये नूडल्स खाने और साथ में कोल्ड ड्रिंक, पीयूष भी आया था तो पीयूष को खिलाते हैं कुछ बाहर का, और ये पीजी में ही रहता है, और बाकी यहाँ पे हम पूरा फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, मामू अलग हो गया हमसे, तो चलो करते हैं इसको फिनिश, मिलते हैं आपको फिर। गाइस अभी हम जा रहे हैं चिकन बिरयानी खाने, तो सच बताऊँ तो भाई हक्का नूडल बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, क्या बोलते हैं पीयूष? चलो भाई करते हैं चिकन बिरयानी टेस्ट। तो गाइस चिकन बिरयानी आ गई अपनी, और बाकी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई इनकी भी और हमारी भी। गाइस ये कुछ फ्रंट का व्यू अलांटे का, और ये देखो और बाकी हमारे ब्लॉगर एक और ये है भाई, देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की थीम, और ये देखो प्रदर्शन के लिए गाइस अलांटे वाले बिल्कुल झूठ था, और ये देखो 500 के दो लिए जा रहे हैं यहाँ पे। गाइस मैंने ये 150 का लिया है चश्मा, भी 22 की मार्केट में अभी यहाँ पे आए थे, तो भाई बहुत सस्ता मटेरियल मिल रहा और अच्छे प्राइस में। इस पास से सो गाइस फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं, तो अभी बजे हैं 7, तो अंधेरा भी होने वाला था, हमने सोचा कि घर वापस चले जाएं, और घर से भी फ़ोन आ रहा था, तो अभी हम वापस आ गए हैं, तो क्या पता थोड़ी देर में हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाए, तो अगर बनेगा तो ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे और नेक्स्ट डे अपलोड भी हो जाएगा। चलो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं अभी यहीं एंड, तो ठीक है गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सोच रहे होंगे ये अंधेरे में शूट कर रहा है, तो भाई तुम्हारा भाई आज बहुत ज़्यादा बिजी था और ब्लॉग भी नहीं बना पाया। आज हम बताएंगे आपको अपना फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है और खुशी भी है। सो गाइस जो भी मैं चीज़ आपको दिखाऊँगा वो मैं विद प्राइस दिखाऊँगा। सो गाइस आप देख रहे हैं ये है हमारे सामने मेन डोर फर्स्ट फ्लोर का, और आप सोच रहे होंगे कि इतना प्यारा है तो इसको बनाने में कितना पैसा लगा होगा, ये मैं आपको बताऊँगा आगे। और ये हमारा ऐसा डिज़ाइन करवाने का ये मकसद था कि भाई लोग जो जब भी आते हैं घर पे तो बाहर से ज़्यादा देखते हैं कि बाहर से लुक अच्छी हो घर की, तभी अंदर से लोग सोचते हैं कि अंदर से भी बेटर होगा, और बाहर से हमने कुछ ऐसा बनवाया, और सामने हमारी विंडो ऐसी है कुछ, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हमने पॉलिश करवाया, यहाँ पर हमने पेंट, तो गाइस ऐसा है कि पेंट ज़्यादा बेटर लग रहा था, हमने पॉलिश भी करवाया था पहले बट पेंट ज़्यादा बेटर लग रहा था। तो गाइस लगभग हमें डोर बनाने का खर्चा आ गया था 40,000 रुपये सिर्फ ये वाला डोर, मेन डोर और साथ वाली जो विंडोज़ हैं इन दोनों का मिला के हमें विद उसके साथ क्या बोलते हैं इसको, ये मुझे नहीं पता, द्वार साख बोलते हैं कुछ, तो विद इसके साथ हमें पड़ गया था 70-80 हज़ार रुपये का, ये वाला भी और ये वाला भी। तो चलते अब आपको अंदर ले गया, और गाइस हमने ये बाहर से मंगवाई थी और देखो कितनी एक्सपेंसिव टाइप की है, और ये हमें एक पड़ी थी 4,000 रुपये की, और दोनों पड़ी थी हमें कोई 8,000 रुपये की, इतना मुझे आइडिया नहीं है बट इतनी की पड़ी थी शायद। सो गाइस खोलते हैं अब अंदर, लुक एट दिस, सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि अंदर से कैसा होगा ये डोर, तो अंदर से भी हमने सेम ही करवाया है, और आगे और पीछे दोनों साइड सेम है, तभी इतना ज़्यादा खर्चा आया था, तो चलो अब बाकी आपको दिखाते हैं। सो गाइस जैसे कि पहले करते हैं हम हॉल कवर, तो हॉल पे आप देख ही सकते हैं सामने हमने सोफे लगाए हैं, और खाली खाली सा लग रहा होगा आपको हॉल, तो गाइस जैसा कि हमने अभी शिफ्ट करा है और अभी तक फर्नीचर बिल्कुल कंप्लीट नहीं लिया हमने, तो इन फ्यूचर हम जल्दी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे पूरा कंप्लीट घर। तो पहले तो हम करते हैं डाउन सीलिंग से बात, क्या बोला तूने डाउन सीलिंग की बात, तो ये हमने करवाई थी सरोल से आए थे, और उन्होंने डिज़ाइन करा था, डिज़ाइन तो हमने खुद करा था बट हमने उनको बताया तो उन्होंने बिल्कुल सेम बना दिया, और साथ में आपने देखा होगा कि अंदर वाली लाइट जो ब्लू कलर की और फोग लाइट है वो हमने कैसे लगाई थी अंदर, तो भाई ऐसा है कि ये स्ट्रिप्ड आते हैं तो वो हमने अंदर फिक्स कर दिए हैं फेविक्विक के साथ, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा कूल लग रहा है, नहीं तो वो तो भाई ये वाइट सी लाइट लगा के छोड़ जाते हैं। सो गाइस आपने सोचा होगा कि वीडियो बीच में कट हो गई है, तो मैं अभी पापा से पूछने गया था, मेरे को भी पता नहीं था कि कितना खर्चा आया था, तो पापा ने बताया कि 70 से 80 हज़ार के बीच में खर्चा आया था,
तो भाई कुछ ऐसी सी डाउन सीलिंग है लग रही है, कौन ना बिल्कुल कमेंट में बताना, और बाकी चलते हैं आपको और भी दिखाते हैं। और गाइज ये सोफ़े हमने लिए थे केजारिया शोरूम, तो हम मैं तो सोच रहा हूँ फर्नीचर का आपको अलग ब्लॉग दिखाएंगे। चलो इसमें बता देते हैं, अभी थोड़ा बहुत सामान है। तो ये हमने लिए थे केजारिया शोरूम, ये पड़े थे हमें कोई 1,04,000 रुपये के करीब करीब। तो गाइज ये है कंपनी का नाम जोरिन, तो भाई गूगल पे भी सर्च मारोगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा वहाँ पे दिखाएंगे, बट शॉप पे आपको थोड़ा सा, शॉप तो क्या मतलब शोरूम पे आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा वहाँ से गूगल के अकॉर्डिंग 15,000-20,000 रुपये। और गाइज ये तो मेरी फेवरेट है यार, ये हमने ली थी 16,000 की, ये हमने बनी खेत से परचेज़ करी थी, तो लग रही है ना कूल। और भाई इस पर जो वुडन लगी हुई है, A1 वाली वुडन लगी है, क्योंकि भाई हमें चाहिए थी बिल्कुल मजबूत। और गाइज ये रहा मम्मी का शानदार किचन, जो कि भाई इसने बहुत ज़्यादा सरदर्द लगाई थी, और कभी हमारे ये वाले नल के यहाँ पे होते थे, अब यहाँ पे शिफ्ट करे हैं, और ये वाला स्विच हमारा यहाँ पे होता था, अब यहाँ पे स्विच यहाँ पे शिफ्ट करा है, तो भाई इसने बहुत ज़्यादा सरदर्द करी है। और चलो बाकी फाइनली किचन हमारी कम्प्लीट हो चुकी है, और मम्मी को भी मज़ा आता है यहाँ पे देखने से, और मम्मी तो बोलते थे कि यहाँ पे बनाना ही नहीं है, नीचे वाले फ्लोर पे बनाएंगे खाना, और नीचे भी एक किचन है और ऊपर भी एक किचन है, तो इस करके। और बाकी आपको इसका प्राइस दिखाते हैं, तो इसका प्राइस पड़ा था हमें कोई 3,00,000 के करीब करीब, मतलब 3,00,000 से ज़्यादा नहीं, मतलब 270-280 या तो 3,00,000 के बीच बीच पड़ा था। तो बाकी ऐसी कुछ किचन है हमारी। और बाकी आप सोच रहे होंगे कि ये आपको साथ में मिली चिमनी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये हमें अलग से परचेज़ करनी पड़ी थी, ये पड़ी थी हमें 27,000 रुपये की। और गाइज़ आपको ये वॉलपेपर दिखाना तो भूल ही गए, और ये भी हमने सरोल जहाँ से डाउन सीलिंग करवाई थी वहाँ से ही, उनसे बनवाया था हमने खुद डिज़ाइन करके, डिज़ाइन तो क्या मतलब गूगल से निकाल के उनको बताया था, तो हमारा अपना अपना डिज़ाइन था, मतलब कि हमने खुद सेलेक्ट करा था गूगल से, तो हमने उनको दिया, तो उन्होंने ऐसा बना के दिया, तो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है भाई। कैमरा में इतना कूल नहीं लग रहा होगा, बट रियलिटी में जितना ज़्यादा कूल लग रहा है। और ये हमें पड़ा था कोई 10,000 के करीब करीब। सो गाइज अभी मैं हॉल के बीच में हूँ, पहले हम रूम कवर करते हैं अब, तो पहले ये वाला रूम कवर करेंगे और अभी हम दिखाते हैं आपको। और आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल खाली है, तो भाई ये खाली है, और हमने ये अलमीरा ली थी, तो हमारा फर्नीचर भी आ रहा है, और बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोर का सामान भी लेके आएंगे, जैसे कि अभी ये लगा हुआ है, बट ये यहाँ पे परमानेंटली नहीं होगा, इसको चेंज करके कहीं और रखेंगे। और बाकी चलते हैं नेक्स्ट रूम में, अब जाते हैं उस वाले रूम में। सो गाइस ये रूम कुछ ऐसा है, और हम ये बेड ले आए थे बनी खेत से, वहाँ पे हमें अच्छा लगा, कूल लगा। अभी हम वाइड एंगल पे शूट कर रहे हैं, तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं दूसरा एंगल शूट करता हूँ, रुको। सो गाइस अभी नॉर्मल कैमरा से शूट हो रहा है, तो कुछ ऐसा है बेड, तो हमें ये थोड़ा सा कूल लगा कि अच्छा लगेगा इस वाले रूम में, तो हम इसको परचेज़ करके लेके आए थे, तो ये हमें पड़ा था 20-25,000 के करीब करीब। और रूम कुछ ऐसा है, और यहाँ पे गैलरी भी दिखाई देते हैं आपको। सो गाइस गैलरी कुछ ऐसी है, और सामने पहाड़ी पहाड़ है, आपको अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा कूल वाला व्यू दिखाई देता है आपको, अलग ब्लॉग में दिखाएंगे जब सुबह होगी। तो चलो इसको करते हैं बंद। सो गाइस जैसा कि अब करते हैं हम बाथरूम कवर, क्योंकि भाई इस वाले रूम के साथ ये वाला बाथरूम अटैच्ड है, और कोई हॉल से जाना चाहता है तब भी ये अटैच्ड है, और चलते हैं। और गाइस कुछ ऐसा है बाथरूम का मुझे प्राइस नहीं पता, बट कुछ ऐसा है। और गाइस ये हमने लिया था वॉश बेसिन, आई थिंक 22,000 का, क्योंकि इस पर भाई पता नहीं क्या है, मेरे को खुद समझ नहीं आया, शायद हमें ठगा दिया है कि पता नहीं क्या, बट मुझे ये 22,000 वाली चीज़ लगी नहीं, क्योंकि भाई ये बिल्कुल बेकार सा लगे, और अपनी चॉइस बता रहा हूँ मैं, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये, तो इससे अच्छा तो नीचे वाले फ्लोर का ही है। और गाइस बाकी ये वाली घड़ी ली थी हमने आई थिंक 11,000 की, क्योंकि ये पूरा वुडन वर्क हुआ है, और भाई बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है। इसमें एक प्लास्टिक वाली भी थी, वो थोड़ी सी सस्ती थी, बट ये वुडन वाली है, ये थोड़ी हमें महंगी पड़ी। बाकी अब करते हैं ये वाला रूम कवर, सामने आप देख रहे होंगे हमारी फैमिली फ़ोटो है, और साथ में जीजू और दीदी, और शादी टाइम की फ़ोटो आई है, तो कितनी कूल लग रही है, ये हम कहीं पर लगाएंगे जब हमारा फर्नीचर आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गंद भी बड़ा हुआ है, तो भाई जल्दी से जल्दी हम फर्नीचर लेके आएंगे, और जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करवाएंगे,
और बाकी ये वाला बेड भी ले आए थे हम बनीखेत से, ये भी हमें 22-25 हज़ार के करीब करीब पड़ा था। और यहाँ से दूसरे घर जाने का रास्ता है और कुछ ऐसा है गाइस, ये टेरिस का रास्ता है, यहाँ से टेरिस को जाता है रास्ता और दूसरा जो पुराना वाला घर है उधर का। और गाइस मार्शल भी देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ मार्शल। सो गाइस अब करते हैं ये वाला रूम कवर, और ये वॉलपेपर हमने बनवाया था उन्हीं से ही, आपको पता ही है ये 5-6 हज़ार का बन गया था। और ये है प्रांजल दीदी का रूम कुछ ऐसा, यहाँ पे भी हमारा फर्नीचर आना है। और भाई ये गंद पड़ा हुआ है, और ये सारा स्टोर है जो घर का काम हुआ था उसका गंद अभी तक यहाँ पे ही छोड़ा हुआ है, हमने इसको भी क्लीन करवाएंगे। सो गाइस कुछ ऐसा है, यहाँ पे बाथरूम अटैच्ड और टाइल है भाई बिल्कुल एक नंबर लग रही है दूसरे वाले बाथरूम के अकॉर्डिंग। और ये कुछ वॉश मशीन ऐसी है और कुछ ऐसा बाथरूम है। सो गाइस ये जाती है हमारे टेरेस को सीढ़ियाँ यहाँ से। सो गाइस ये नीचे वाला फ्लोर, ये आपने पहले भी बहुत बार देखा होगा, तो चलो इसको रहने ही देते हैं, ऊपर वाला देखो आप। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड, टिल देन बाय। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक एटी ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रांजल दीदी को छोड़ने, तो आज मैंने रखी है छुट्टी, मुझे तो घर पे थोड़ा सा काम है और अपना भी मुझे थोड़ा सा काम है। क्या काम है देख रही हूँ ना आप, बिल्कुल बारिश वाला माहौल हो गया है और ठंड ठंड सी हो गई है। ये अपनी मम्मी को कितना ज्यादा प्यार करता है, इसने टी शर्ट ही पहन ली है। सो गाइस एक बात और, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग करने वाला हूँ, तुमको कमेंट में बताना कि कैसे लग रहे हैं। सो गाइस मुझे अभी भाई ने सजेस्ट करा था कि अक्षय तू इंस्टाग्राम छोड़ के यूट्यूब पे आ जा, ये बात उसने मेरे को 2 साल पहले बोली थी, बट चलो कोई ना, अब मैंने स्टार्टअप करा है तो क्या कर सकते हैं, अगर उस टाइम से कर रहा होता तो अभी पता नहीं कहाँ होना था मैंने। सो गाइस आज हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल, जीजू का चेकअप करवाएंगे जाके, कान साफ करवाए थे तो डॉक्टर ने फिर से बुलाया, बोला 2 दिन बाद आना, तो आज हम जा रहे हैं जीजू का चेकअप करवाने। पहले तो हम करते हैं ब्रेकफास्ट, आज बनाई हमने पनीर की भुर्जी, पहले मैंने जिम से आके एग्स खा लिए थे बट अब सेकंड मील है तो हम खा रहे हैं अभी पनीर की भुर्जी। सो गाइस चलते हैं अब हॉस्पिटल चेकअप करवाने, और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे। तो आपको पता ही है मम्मा की रिटायरमेंट आ गई है, मैंने आपको ब्लॉग में बताया ही था, तो चलो चलते हैं। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं घर के कपड़े में जा रहा हूँ, मैं घर के कपड़े में भी चले जाता हूँ और ऐसे भी चले जाता हूँ, हम नहीं शर्माते भाई, और हमें कौन सा किसी ने पसंद करना है उससे अच्छा घर के कपड़ों में जाओ, पूरा रिलैक्स हो गए। हंसने वाली बात तो ये है कि मैंने सुबह से मुंह भी नहीं धोया, और मैंने ये बात बोली मैंने मुंह भी नहीं धोया, और आंटी थे वहाँ पे, आंटी ने भी सुन लिया और आंटी भी हंसने लगे। तो गाइस निकले अभी हम, तो हॉस्पिटल में ही मिलते हैं आपको सीधा जाके। चलो गाइस इसी बहाने थंबनेल के लिए भी एक फोटो मिल गई है मुझे, तो चलो अब मिलते हैं आपको सीधा हॉस्पिटल में। स्कूटी कहाँ करे पार्क भाई, जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो स्कूटी यहाँ पे पार्क। सो गाइस ये सामने अपना हॉस्पिटल और उधर भी हॉस्पिटल है, हम जाएंगे इस वाली साइड। भाई साहब ये क्या बन रहा है, बहुत प्यारा है यार जो भी ये बन रहा है। गाइस भीड़ चेक कर रहे हो सामने, भाई साहब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बेचारे अंकल। गाइस जीजू अंदर चले गए हैं तो उनका मैं वेट कर रहा हूँ बाहर, चलो जब भी आते हैं मिलाते हैं आपको और पूछते हैं कि क्या और क्या बोला डॉक्टर ने। क्या बोला, ठीक है दोनों साथ है, ओके रिपोर्ट है ना, चलो ठीक है फिर। तो गाइस मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब आएगी, तो डॉक्टर ने बोला कि ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। बाकी अब चलते हैं शॉपिंग करने। गाइस देखो इतनी भीड़ होती है हॉस्पिटल में, यहाँ के ये है चंबा हॉस्पिटल। गाइस बाहर निकलते ही हमें कम से कम 15 मिनट लग गए क्योंकि इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, तो बाकी अब चलते हैं, मार्केट साथ में ही है तो चलो। सो गाइस चलते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा सामान लेना था वो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस मैं घर वापस आ गया हूँ, तो अभी हमारा हो गया लंच का टाइम। तो गाइस मैंने आपसे एक बात करनी थी, तो आप मेरी वीडियोस तो देखते हो बट पूरी नहीं देखते, और आप ना ही लाइक करते हो, वीडियो तो देख लेते हो बट आप लाइक भी नहीं करते ना ही कमेंट करते हो, तो भाई कमेंट और लाइक्स भी कर दिया करो क्योंकि तुम्हारा भाई इतने प्यारे प्यारे ब्लॉग लेके आता है। अगर आपको किसी अलग टाइप का ब्लॉग चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दें किस टाइप का ब्लॉग चाहिए, तो उस टाइप का ले आएंगे। सो गाइस जैसे कि अभी मैं इशू दीदी को लेने जा रहा हूँ, वो अपनी जॉब पे है तो उनको लेने जा रहा हूँ, और बाकी भाई कैसे लग रहे हैं ब्लॉग मेरे को बताओ। स्टार्ट चलो। तो ये है इशू दीदी के ऑफिस की बाहर की लोकेशन, और ऑफिस कुछ ऐसा है बट मैं अंदर नहीं जा सकता,
क्योंकि पता नहीं अंदर मीटिंग चल रही है कोई। तो अपनी स्कूटी हमने ये लगाई है और सामने लुक एट दिस व्यू, प्यारा है ना। और ये अपना पेट्रोल पंप भी साथ में है। पता नहीं गाइस इतनी जल्दी एम्बुलेंस क्यों ख़राब हो जाती है, और ये भी ख़राब ही खड़ी हुई है। और भाई इसका तो मतलब बिल्कुल मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल टोटली मतलब इसके टायर टूर भी सारे ख़राब हो चुके हैं, सब कुछ ख़राब हो गया और जंग भी लग गया इसको। काफ़ी टाइम से खड़ी है और ये NHPC वालों की एम्बुलेंस है, बट पता नहीं क्या सीन है एम्बुलेंस जल्दी ख़राब हो जाती है।